आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला टू डिफरेंट शेप्स ऑफ अ ट्राइंगल। इस टॉपिक में हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें कोई सभी एक एंगल 90 के बराबर हो। ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें तीन पॉइंट्स ओ पी और क्यू दिए गए हैं। सबसे पहले हम ओ क्यू पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज की सिंप्लीफिकेशन पर हमें ये स्टेप हासिल होगा, 2 स्क्वायर का अंडर रूट लेने से हमें ओ क्यू पॉइंट 2 हासिल होगा। इसके बाद अब हम ओ पी पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये स्टेप हासिल होगा, 9 का जब अंडर रूट लिया जाएगा तो हमें ओ पी पॉइंट 3 हासिल होगा। आखिर में हम पी क्यू पॉइंट पर डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने पर हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी, 9 को जब 4 में ऐड किया जाएगा तो हमें पी क्यू पॉइंट अंडर रूट 13 हासिल होगा। यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि ओ क्यू पॉइंट का स्क्वायर और ओ पी पॉइंट के स्क्वायर की एडिशन पी क्यू पॉइंट के स्क्वायर की एडिशन के बराबर है और पी ओ क्यू के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। अब हम इस बात को वेरीफाई करने के लिए ग्राफ पेपर की मदद से पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे। ओ पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा, पी पॉइंट को जब ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया जाएगा तो हमें ये पॉइंट हासिल होगा, क्यू पॉइंट को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने से हमें ये पॉइंट हासिल होगा। इन तीनों पॉइंट्स को अब हम एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पी ओ क्यू के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।